अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। तो जी, ये आ गया था हमारा नाश्ता और खाना एक साथ, क्योंकि हम लोग आज लेट उठे थे। तकरीबन 1:30-2 बजे के टाइम हमने खाया, तो फ्रेश टोस्ट बना लिए थे। और यहाँ हफ्सा मदर से जाने के लिए तैयार बैठी हुई थी बिल्कुल, पर मैंने कहा खा के जाना, तो पुलाव और फ्रेश टोस्ट ये सब खाया जा रहा था। फिर हफ्सा Few मैडम चली गई थी hours मदर से, later. और उसके बाद अब ये जा रही हैं ट्यूशन। बस फटाफट फटाफट इसके जाने का टाइम हो जाता है, घर में तो ये रहती ही नहीं है। खैर, तो मदरसे से पढ़कर आई है फ़ौरन ही, बस 2 बजे की मदरसे से पारा पढ़ने गई, उसके बाद आई और फ़ौरन ही है ट्यूशन चली गई। इसीलिए मैंने कहा भाई तुम खाना खा के जाना कुछ ना कुछ। तो अब ये जा रही है अपना ट्यूशन पढ़ने, और मैं यहाँ पी रही थी चाय। मेरी देवरानी ने चाय देती थी नाश्ते के बाद, खाने के बाद। हालांकि मैं तो पीती ही नहीं हूँ, पर वहाँ पे रहते रहते 3 दिन की ना वो आदत बन गई थी हमारी चाय। खैर, फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर, शाम का टाइम हो गया। ये फ़ौरन ही वीडियो बनती गई और शाम का टाइम होता गया, और यहाँ आ गए थे ये बच्चे ट्यूशन से वापस। ये टाइम था शायद, देर से आए थे आज, 8 बजे के टाइम आए थे ये लोग बच्चे ट्यूशन से, काफ़ी लेट आए थे आज तो। खैर, तो यहाँ हफ्सा और उज़ैर की लड़ाई चलती रहती है हर वक्त की। आपको पता ही है, जो छोटे ऊपर तले के जो बहन भाई होते हैं ना, वो इसी तरह लड़ते हैं। हालांकि हफ्सा और उज़ैर में फ़र्क है, पर फिर भी ये दोनों इसी तरह लड़ते रहते हैं। तो ठीक है जी, अब आगे चल के आपसे मिलेंगे। और जी, ये आ गया है बर्थडे टाइम, क्योंकि आज थी हफ्सा की बर्थडे, और वो मैडम हो रही है रेडी, और यहाँ हम सब फुला रहे थे बलून। तो आपको बर्थडे पे मिलते। अच्छा जी, तो हमारा पहले लग गया था दस्तखान, क्योंकि सबको लग रही थी भूख, और बिरयानी आ गई थी बिल्कुल दम पे, मज़ेदार सी। मेरी देवरानी ने भी बिरयानी बनाई थी, बहुत टाइम बाद मैंने इतनी मज़े की, इतनी अच्छी बिरयानी का। असल में चावल खाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब चावल खाने का मज़ा आता है। मेरे मियाँ जी तो चावलों से नफरत करा देते हैं, इस तरीके इतना दिल मार के अपना खाते हैं ना ये चावल। मेरे साथ बैठ के, इनके साथ खाते खाते मुझे बेजारियत होने लगती है चावल खाते खाते। भाई आपको अच्छे नहीं लगते, दूसरे को तो अच्छे लगते, पर ये बात इनकी समझ में ही नहीं आती। उस दिन मैंने फुल पेट भर के बहुत मज़े से खाए, दिल से खाए, बहुत अच्छे भी बने हुए थे, बहुत टाइम के बाद मैंने खाए। तो हम यहाँ पे पहले तो बिरयानी इंजॉय करते हैं, उसके बाद में जाके हम केक काटेंगे, क्योंकि सबको ही भूख लगी हुई थी। तो सबने कहा भाई केक बाद में कटेगा, क्योंकि केक काटना था हमें 12 बजे, क्योंकि देवरानी की बर्थडे 12 बजे ख़त्म होनी थी और हफ्ते की 12 बजे शुरू होनी थी। तो इस वजह से हमने कहा ठीक 12 बजे केक काट लेंगे, दोनों का केक हो जाएगा इस वजह से। इसलिए तो हमने सोचा फिर हम पहले खाना ही खा लेते हैं, जब टाइम ही है बिरयानी ओ केक काटने में इतना। तो अब हम पहले खाना खाते हैं और उसके बाद हम चलते हैं केक काटने। अच्छा जी, तो ये आ गए थे अब हम दूसरे कमरे में, और यहाँ पे कटने वाला था केक। हफ्सा मैडम ने पूरे चारों तरफ बलून फुलवा के सबसे, और पूरे कमरे में बलून ही बलून कर दिए थे। इनका कहना था कि मैंने वीडियो बनवानी है यहाँ पे बैठ के। और यहाँ इनकी 10 की जो है ना कैंडल आ गई थी, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह ये 10 साल की हो गई है। क्योंकि मम्मा चॉकलेट नहीं खाती, लेकिन सबने आज मम्मा को चॉकलेट खिला दिया, लेकिन मम्मा के लिए अभी ये भी है। 3 hours later. UPS का काल लगा है। अच्छा, ये इससे आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने घर आ गए हैं नाजरीन, लाइट आ गई है हमारे घर की। घर का असर देखो।
अच्छा जी, तो ये आ गए हम अपने घर और ये टाइम हो रहा था कोई रात के 3 बजे का। मुझे जैसे ही पता लगा लाइट का, मैंने कहा बस हम चलते हैं। बर्थडे तो खैर मना ही ली थी, खाना वाना भी खा लिया था, फिर उसके बाद कॉफ़ी भी बना ली थी अलीशबा ने, तो फिर हम कॉफ़ी वॉफ़ी पी के और हम आ गए थे अपने घर पे। मैंने सोचा बस छोटा सा एक क्लिप बना लेते हैं कि हम घर पे पहुंच गए, पर पीछे आवाज़ पता नहीं किस चीज़ की आई थी, शोर आई थी, तो मैंने फिर अपनी वॉइस ख़त्म करके मैंने कहा वॉइस ओवर कर लेती हूँ थोड़ी सी तो वीडियो। तो बस जी, अब सुबह से अपनी दोपहर से जो भी होगी रूटीन हम घर से स्टार्ट करेंगे। तो जी सुबह से उठ के तो जो घर के कामों में लगी हुई थी, समेटने सिमटाने में घर, क्योंकि आपने देखा ही था रात की वीडियो में कितना फैला हुआ था, तो सारा दिन तो ऐसे ही निकल गया। फिर शाम में आया था शहरोज़ और वो तो खैर होता ही है हमारा चाय का टाइम, तो वो उसने भी बिस्किट, वो चाय तो पीता नहीं है, तो मैंने कहा चलो तुम बिस्किट ही खा ले दो। तो बस जी हम अपनी चाय पीते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो जी मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और हम रात को आ गए थे अपने घर पे, क्योंकि हमारी बिल्डिंग की जो है लाइट आ चुकी थी, रात को 2:30 बजे आ गई थी, तो हम 3 बजे तक अपने घर आ गए थे। घर पे आके ही हम अपने सोए थे। तो बस जी 2 दिन से व्लॉग नहीं डाला, उसके लिए बहुत बहुत माजरा। हालांकि मैंने अपडेट डाल दी थी अपनी कि मैं व्लॉग अपलोड कर दूंगी, पर बिल्कुल व्लॉग जो थोड़ा बहुत बना था वही आपके साथ शेयर कर दिया मैंने। और जो थी मेरी देवरानी की और हफ्ता की जो सालगिरह थी, एक दिन के फर्क से आती है 10 और 11 ऐसे सालगिरह होती है, तो हमने 12 बजे केक काट लिया था, दोनों की एक साथ मना ली थी। तो और गिफ्ट मैं हफ्ता को दे नहीं सकी क्योंकि मैं वहाँ रुकी हुई थी, तो अपने घर पे तो थी नहीं जो लेकर आती है, वहाँ से निकलना तो इम्पॉसिबल था। खैर दे दूँगी मैं उसको ला के गिफ्ट, और जब भी दूँगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने क्या गिफ्ट दिया था उसको। और जो है बस जी आज का व्लॉग इतना ही था। बिरयानी बहुत मज़े की बनी हुई थी, बहुत मज़े की बनी थी, मैंने बहुत अरसे के बाद इतनी अच्छी बिरयानी खाई है, बहुत मज़ा आया बिरयानी खाए, क्योंकि मैं अपने हाथ की बिरयानी पता नहीं क्यों मुझे अच्छी ही नहीं लगती। मैं अपने हाथ के चावल कोई से भी पका लूँ ना, या तो मेरा पका के दिल भर जाता है, या पता नहीं मियाँ जी शौक से नहीं, ये शौक से नहीं खाते ना, तो इसलिए मुझसे भी नहीं खाया जाता। पर वहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोग थे ना मेरे साथ खाने के लिए, तो इस वजह से मैंने आराम से वो जी। तो मेरा व्लॉग जो भी था जितना भी था बस इतना सही था, 2 दिन का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मेरे व्लॉग पे मेरे चैनल पे जो नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, उसके बाद लाइक का बटन दबाएंगे, और उसके बाद आगे शेयर कर देंगे। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच सकेगी। तो इस वजह से ये सारे काम फौरन आपको लाजमी करना है। तो ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को मेरे मियाँ जी को दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्द डरेगा, क्योंकि अब घर में तो आ ही गए हैं और घर के काम भी चल रहे हैं और शादी की तैयारियां भी चल रही हैं। तो नेक्स्ट देखो शादी की शॉपिंग का व्लॉग आता है, किस चीज़ का आता है अभी कुछ भी नहीं पता, अब तो घर में आए हैं हम, अब देखो क्या होता है, मुझे भी नहीं पता आगे का व्लॉग कैसा बनेगा और क्या बनेगा। तो खैर बहरहाल जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।